सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आई लव यू गाइज। आपने मेरी जो इतनी हेल्प की, मुझे इतना जो सपोर्ट किया है गाइज, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास लव्ज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा किस तरीके से करूं। अगर मैं बोलने लगा तो ये शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको थैंक यू नहीं कह पाऊंगा। सो गाइज, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सब लोगों को, आप उसमें से हर एक इंसान को जिसने मेरी हेल्प की है, यहां से गाइज दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज। राइट गाइज, तो आज हम बनाएंगे ड्राई आइस, यानी कि सूखी बर्फ। लेकिन ये ड्राई आइस आखिर होती क्या है? सो गाइज, सीधा सीधा समझ लो कि हमारे घरों में जो बर्फ होती है वो बनती है वाटर यानी कि पानी से, लेकिन जो ड्राई आइस होती है यानी कि सूखी बर्फ, वो बनती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से। और इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारी जो नॉर्मल बर्फ होती है वो करीब करीब 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 0 डिग्री तक ठंडी होती है, लेकिन जो ड्राई आइस होती है वो करीब करीब -78 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती है, जो कि सच में काफी ज्यादा ठंडी होती है। और सीधा सीधा समझ लो कि मान लीजिए अगर हम हमारे जो घर में बर्फ होती है उसको अगर किसी कपड़े पर रखते हैं तो वो कपड़ा ठंडा तो होता है, लेकिन वो साथ ही साथ गीला भी हो जाता है। लेकिन वही अगर हम ड्राई आइस को उसी कपड़े पर रखते हैं तो वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन वो गीला नहीं होता है। शायद इसीलिए इसे सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस भी बोला जाता है। और गाइज, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फिल्मों के अंदर, ताकि वो जैसे स्वर्ग वगैरह के जो मतलब वो सीन क्रिएट करने होते हैं तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। इससे बादल वगैरह दिखाने में काफी सहायता मिलती है, और साथ ही साथ अगर खाने को भी लंबी दूरी तक अगर पहुंचाना हो तो इसका यूज किया जाता है, ताकि खाने को ज्यादा से ज्यादा देर तक ठंडा रखा जा सके, क्योंकि CO2 हमारे शरीर को इतना ज्यादा नुकसान नहीं करती है, क्योंकि वो तो पहले से ही होती है। लेकिन गाइज, बस इतना काफी है, हमें कौन सी ड्राई आइस से शादी करनी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और बनाते हैं ड्राई आइस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि किसी भी गैस को अगर हम हाई प्रेशर के साथ किसी कंटेनर में भर दें और फिर उसके ऊपर से दोबारा अगर हम प्रेशर को हटाते हैं तो उसमें से निकलने वाली गैस काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है और साथ ही साथ बॉईल करने लगती है। लेकिन गाइस, ड्राई आइस CO2 से बनी हुई होती है, और अगर हम सेम इसी प्रिंसिपल को, सेम इसी चीज को CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्राई करते हैं तो बाहर निकलती है ड्राई आइस, और बस हमें उसे कलेक्ट करना होता है। तो यही सबसे सिंपल सा तरीका है ड्राई आइस बनाने का। सो गाइस, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लिक्विड CO2 की। सो गाइस, इसके लिए मैंने खरीदा है ये कंटेनर। सो गाइस, इसके अंदर भरी हुई है लिक्विड CO2 और इसका वजन है करीब करीब 12 kg। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक वीडियो को बनाने के लिए इस कंटेनर को खरीदा है। सो गाइस, आइडिया काफी सिंपल है। ये एक तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर है CO2 टाइप, यानी कि इसके अंदर सिर्फ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म के अंदर। सो गाइस, आइडिया काफी सिंपल है। हम सिंपली इसके वॉल्व को खोलेंगे, इसके अंदर से निकलेगी CO2 और बस हमें उस ड्राई आइस को कलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके नोजल को खोलते हैं इस तरीके से, देखिए काफी ज्यादा तेज आवाज थी। अगर हम इसके नोजल को खोलते हैं तो इसके अंदर से निकलती है ड्राई आइस, देखिए था ना गाइस, काफी ज्यादा ऑसम। तो अब इस ड्राई आइस को कलेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक तौलिए की, देखिए इस तरीके, किसी भी तौलिए की। और फिर हमें करना यह है कि हम सिंपली इस तौलिए को इस नोजल के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, देखिए इस तरीके से, और इसके बाद हम इसे यहां से, आपको ग्लव्स पहनना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो हमारे हाथ को कोल्ड बर्न हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये -78 डिग्री तक ठंडी होती है, जो कि हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। तो हम सिंपली इस तौलिए को इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, देखिए इस तरीके से, और अब हम इस नोजल को खोलेंगे, देखिए इस तरीके से, राइट ऑन 3, 2 and 1। वो आई होप इसके अंदर कुछ ड्राई आइस बनी हो। तो चलिए, उप्स, ये पाइप काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है।
आई होप इसके अंदर कुछ ड्राई आइस जरूर बनी हो। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कितना ज्यादा वेपर निकल रहा है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा ठंडा है। अब हमें सिंपली इस तौलिए को यहाँ पर से आप जब इसे टच करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि इसके अंदर ड्राई आइस है। बस हमें इसको इस तरीके से दबा देना होता है ताकि सारी ड्राई आइस एक जगह पर इकट्ठी हो जाए। राइट गाइस, तो चलिए अब इस तौलिए को खोल कर देखते हैं कि इसमें ड्राई आइस बनी है या फिर नहीं। वाओ गाइस, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफी सारी ड्राई आइस है। अब आप ये जो सफेद सफेद चीज देख रहे हैं यही है ड्राई आइस, यानी कि सूखी बर्फ। ये सच में काफी ज्यादा ठंडी है, मैं इसे पकड़ भी नहीं पाता अगर मैंने ग्लव्स नहीं पहने होते। तो चलिए इसका एक और टेस्ट लेते हैं, इसे वाटर में डाल के देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइस, इसी तरह के इफेक्ट्स आपको फिल्मों में देखने को मिलते होते होंगे, तो ये इसी ड्राई आइस की सहायता से किए जाते हैं। तो गाइस, है ना काफी ज्यादा ऑसम। ये इंडस्ट्रियल यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर ड्राई आइस काम में आती है वैसी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो ड्राई आइस काम में आती है वो बर्फ की सिल्लियों की तरह इकट्ठी बनाई जाती है। ये होममेड ड्राई आइस है, इसीलिए ये इस तरह के टुकड़ों के अंदर है। उप्स, गिर गई। आप देख सकते हैं कि इसे अगर आप ज्यादा देर तक एक जगह ना रखें तो आप इसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर रहने पर ये आपकी स्किन को कोल्ड बर्न कर सकती है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपने हाथ में आसानी से पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे हिस्से मेरे हाथ पर रुक रहे हैं तो वहां से जलन होने लगती है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कितनी सारी ड्राई आइस बनाई है। हम इसे सिंपली इस तरीके से दबा दबा के इकट्ठी कर सकते हैं। सो गाइस, इसी तरीके से बनाते हैं हम घर पर ड्राई आइस। मुझे पता है कि ये जो CO2 का कंटेनर है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहें तो आप किसी छोटे सिलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा इजी तरीका ड्राई आइस बनाने का और कोई भी नहीं हो सकता है। Look how cool is that, man! So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ।